दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे कॉमन बीमारी में से एक है। आपको मालूम है हमारा प्रेशर होना चाहिए 120, 80, 130 तक हम लोग अलाउ कर देते हैं लोगों को, पर अगर उससे ज़्यादा है तो ये ब्लड प्रेशर चारों तरफ से हमारा नुकसान करता है। ये किडनी को ख़राब करता है, हार्ट को ख़राब करता है, इससे ब्रेन में खराबी आती है, और ये हाई ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारी हमारे पैदा करता है, आँख में बीमारी पैदा करती है। हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए तीन चार चीज़ मेजर काम करती है, एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक मोटापा, एक हमारा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा काम करता है, और उसके संग अगर हम लोग ज़्यादा नमक खाते हैं या ज़्यादा हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लोग ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ खाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि एलोपैथी की दवाइयाँ लोग खाने में थोड़ा कतराते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पाँच ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, जो नेचर से आती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट के नाम आप याद रखें और इनको लेने का कोशिश करें। पहला प्रोडक्ट का नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस दोनों को कम करता है। एडेप्टोजेन करके इसमें केमिकल होता है, जो हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अश्वगंधा का पाउडर हर जगह अवेलेबल होता है, आप इसको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप से खरीद सकते हैं। 2 टेबलस्पून अश्वगंधा पाउडर आप 1 ग्लास में पानी में डालिए और इसको खाली पेट लीजिए अर्ली मॉर्निंग में, तो इससे बहुत फायदा होता है ब्लड प्रेशर में। दूसरा है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक का एक रॉ क्लोव आप अगर हर दिन सुबह ले सकते हैं तो ये ब्लड प्रेशर में मदद करता है। गार्लिक के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको मालूम है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तीसरा चीज जो आपको लेना चाहिए वो है त्रिफला। आपको मालूम है हरड़, बहरा और आंवला मिला के त्रिफला होती है, एक ऐसी गुणकारी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिससे बहुत फायदा होता है। त्रिफला का पाउडर आप कहीं से भी खरीद सकते हैं और इसको मॉर्निंग में आप अगर लेते हैं, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके आर्टरीज वेन्स को भी क्लीन रखता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। तो त्रिफला आप कैसे लेना है, रात को सोते वक्त ले सकते हैं त्रिफला का पाउडर। अजवाइन भी एक बहुत कॉमन चीज है जिसको आपके हर के घर में मिल जाता है, ये भी बहुत फायदा करता है, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो अजवाइन को तो आप थोड़ा सा भून के रख लीजिए और सौंफ के तरह खा सकते हैं, ये बहुत फायदा करता है हमारे ब्लड प्रेशर में। और ये कोई भी खाना खाने के बाद अगर आप लेते हैं, इससे डाइजेशन में फायदा होता है, ब्लड प्रेशर तो कम होता ही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आंवला, इंडियन गूसबेरी जिसको बोलते हैं, ये बहुत फायदे वाला चीज़ है जो हमारा ब्लड प्रेशर को कम रख सकता है। इसके संग थोड़ा सारा आप ब्लैक सॉल्ट इसका जूस बना के भी आप पी सकते हैं, हर दिन 1-2 चम्मच भी अगर आप लेते हैं, इससे ब्लड प्रेशर कम होती है। तो दोस्तों, ये पांचों चीज को याद रखिएगा, अश्वगंधा, आंवला, त्रिफला, अजवाइन और लहसुन, ये 5 चीज को याद रखिएगा, इससे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं आप। और अगर इससे कंट्रोल हो जाए तो हमारे एलोपैथी की दवाइयाँ आप अपने आप कम कर सकते हैं। और इसके संग डेफिनेटली आपको वॉक करना चाहिए, तनाव कम करने के लिए योग करनी चाहिए, खाने में बहुत सारा वेजिटेबल्स और सलाद और फ्रूट्स खाना चाहिए जिससे आपका वजन कम हो जाए। वजन कम करना तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदा करता है, तो आप कोशिश करिए, बाकी सारे लाइफस्टाइल मींस तो करिए, और ये 5 हर्ब्स को भी आप यूज़ करेंगे तो हमारे फायदे की काम होगी। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है, आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। हमारी जीरो ऑयल कुकिंग की बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। बिना तेल के खाना अगर बना सकते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं हर बीमारी में फ़ायदा करता है, आज की जो कॉमन बीमारियाँ हैं वो सब में फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, आज यहीं पर विदा लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ फिर से।